हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज शेयर के बारे में। दोस्तों, लगातार आपको देखने को मिलेगा इस स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लग रहा है। अनडाउटेडली आपको एक बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिले, लेकिन उसके बावजूद अगर अभी आप देखेंगे तो यह स्टॉक लगातार आपको अपर सर्किट पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लगातार इसके अंदर अपर सर्किट लगते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो तेज़ी के पीछे की वजह थी वो कुछ इंपॉर्टेंट थी, तो वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहा होगा कि कब तक ये जो सर्किट्स है वो लगते रहेंगे, लगातार क्या अपर सर्किट्स यहाँ पे बनते रहेंगे, क्या ये स्टॉक सीधा 1000 पे रुकने वाला है। दोस्तों, आपके जो भी मन में क्वेश्चन है उसका देखिए इस वीडियो में आंसर मिलेगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल से फर्स्ट टाइम अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगता है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, पारस डिफेंस का स्टॉक आज भी अपर सर्किट में लगता हुआ देखने को मिला, और एक समय भी आप देखेंगे तो अपर सर्किट टूटता हुआ देखने को नहीं मिला। जैसे ही अपर सर्किट पे खुलता है वैसे ही देखिए दिन भर अपर सर्किट यहाँ पे कायम रहता है, कोई चेंजेस यहाँ पे आपको आते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर बात करें पारस डिफेंस की तो अपने निवेशकों को बढ़िया रिटर्न्स दिए लिस्टिंग पे, उसके बाद से और रिटर्न्स आपको देखिए ये स्टॉक कमा के देके जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब भी कभी इतनी बड़ी तेज़ी आपको होती हुई देखने को मिले तो उसके पीछे का रीज़न ढूंढिए। आज एक बड़ा रीज़न है दोस्तों जिसके कारण स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लगा। अब एक दिक्कत की बात क्या है कि दिन में सिर्फ 5% ही बढ़ सकता है। अगर देखिए यहाँ पे दिन में 10% 15% 20% की लिमिट होती तो हो सकता था कि 20% आपको ये रोज़ बढ़ता हुआ देखने को मिलता, फिर सर्किट फिल्टर चेंज होता, 20 से 10 होता, 10 से 5 होता, तो ये सब कुछ आपको होता हुआ देखने को मिलता। लेकिन अभी क्या है कि 5% ही आपको यहाँ पे सर्किट लिमिट देखने को मिलती है, तो सिर्फ एक दिन में 5% ही आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से तेज़ी कर रहा है यहाँ पे लग रहा है कि स्टॉक अब आपको बिल्कुल 1000 के लेवल्स पे रुकता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज जिस तरह से बढ़ रहा है वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1000 तक ही आपको तेज़ी करता हुआ देखने को मिलेगा, रुकेगा, लेकिन हो सकता है कि 600 रुपये का लेवल तो कम से कम यहाँ पे आता हुआ देखने को मिले। और बात करेंगे टारगेट्स के ऊपर, लेकिन आज ये जो तेज़ी आई है उसके पीछे की वजह क्या है। सो फ्रेंड्स, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से पहली बार कोई ब्रीफिंग दी गई, और जो ब्रीफिंग थी वो थी एक क्रेडिट एजेंसी की नई रेटिंग्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कैश क्रेडिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दी गई है बाय कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। तो देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की तरफ से जो आउटलुक रखा गया है इनकी लॉन्ग टर्म लोन फैसिलिटीज़ के ऊपर, वो कैश क्रेडिट फैसिलिटीज़ के ऊपर जो लॉन्ग टर्म स्केल पे है वो यहाँ पे A- रखा गया है। A- का मतलब ख़राब होता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। A- का मतलब फ्रेंड्स क्या है कि याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम इसकी कोई भी क्रेडिट रेटिंग हुई है, तो फर्स्ट टाइम जो भी होती है वो ठीक होती है। जो साइज़ ऑफ इशू था वो 25 करोड़ का था, एंड ICRA A- रेटिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। और इसका मतलब क्या होता है कि स्टॉक एक स्टेबल कंडीशन में, कंपनी कैश के फ्रंट पे एक स्टेबल कंडीशन पे। तो कैश क्रेडिट फैसिलिटी दोस्तों जो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के द्वारा दी गई है वो स्टेबल दी गई है, और यहाँ पे डेफिनेटली फ्रेंड्स ये एक पॉजिटिव खबर थी। आपको देखने को मिलेगा कि लगातार यहाँ पे जो तेज़ी के पीछे की वजह पहली तो लिस्टिंग थी, लेकिन दूसरा था दोस्तों जैसा मैंने कल भी बताया था डिफेंस। ये डिफेंस का टैग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ जो दूसरा टैग जुड़ता है वो है स्पेस, स्पेस एजेंसीज के कारण दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ये स्टॉक बढ़ोतरी आपको दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड फ्रेंड्स, अब इसी बीच एक बढ़िया देखिए आर्टिकल आया है, तो देखिए क्या है, द पार्टी इज नॉट ओवर फॉर पारस डिफेंस शेयर होल्डर्स एज द स्टॉक ब्रेक्स थ्रू द सीलिंग 3 days इन अ रो। 3 दिन लगातार देखिए आपको अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला। इसका साफ साफ यही मतलब है कि जो पार्टी थी जो पारस डिफेंस के द्वारा उनके शेयर होल्डर्स को दी गई वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। लगातार तेज़ी यहाँ पे आपको बनती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन इसके आगे क्या, तो देखिए डिफेंस इक्विपमेंट मेकर सॉ द बेस्ट लिस्टिंग दिस ईयर सो फार विथ 171% गेंस। जैसे मैंने कहा कि अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट लिस्टिंग्स आपको देखने को मिली पारस डिफेंस की, एंड उसके बाद से आपको देखने को मिलेगा ईच ट्रेडिंग डे यहाँ पे आपको 5% का सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। और अपार्ट फ्रॉम लिस्टिंग गेन स्टॉक यहाँ पे करीबन 14% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 15% तक सर्ज हो चुका है 3 consecutive सेशंस के अंदर, और जो यूफोरिया है अभी भी शेयर्स के अंदर वो अभी आपको देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस कंपनी के बारे में, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कंपनी बहुत बढ़िया तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, कंपनी के पास जिस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्डर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से फ्रेंड्स कंपनी के पास ऑर्डर्स है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है,
और ऑर्डर्स के कारण ही फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा ये स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास करीबन 304 करोड़ रुपए की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और ये सारे ऑर्डर्स आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हुए देखने को मिले जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत एज ऑफ June 30, 2021। याद रखिएगा फ्रेंड, जिस तरह से अभी कंपनी आपको आती हुई देखने को मिली है तो जब Q2 के रिजल्ट पेश करेगी तो वो काफ़ी क्रूशल रहेगा। ये मार्केट को देखिए गाइडेंस देगा कि स्टॉक के अंदर आगे तेजी बनती हुई देखने को मिलेगी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी। अब जैसा मैंने कल भी कहा था कि जिन लोगों के पास शेयर्स आया है या फिर आपने बाइंग कर ली है तो आप अभी बेचने की जल्दबाजी मत करिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बारे में कल भी कहा था, आज भी यही कहूँगा कि पार्शियल अगर आप बुक कर लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कभी भी देखिए ख़राब बात नहीं होती, बिकॉज अगर आपको इतना बढ़िया रिटर्न मिला है तो थोड़ा बहुत तो देखिए आपको मुनाफा हमेशा घर लेके जाना चाहिए। इस स्टॉक ने 15,000 के 40,000 रुपये कर दिए तो इसमें से थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो देखिए बुक करना लाजमी सी बात है, जो आपको काफ़ी इन्वेस्टर्स ने करता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे तो जो बाइंग है वो रुक नहीं रही है। 5% अपर सर्किट का मतलब क्या है कि अभी भी बाइंग ऑर्डर्स जो हैं वो पेंडिंग है, यानी काफ़ी लोगों ने बाइंग ऑर्डर्स लगा रखे होंगे, एम ऑर्डर्स लगा रखे होंगे, बट नहीं मिल रहा है। बिकॉज स्टॉक में देखिए कौन शेयर बेचने की कोशिश करेगा यहाँ पे अगर इतनी बड़ी तेज़ी आपको होती हुई देखने को मिलेगी। बट जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों को IPO लगा है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचिए, आपके पास 85 शेयर्स है तो 42-43 शेयर्स से ट्रेड करते रहिए, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। अब स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस 50 रुपये नीचे का लगाइए, यानी अगर आपको प्राइस अभी देखने को मिल रहा है लेट सपोज 600 रुपये हो जाता है तो आप 550 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के चलिए कि अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं सेल आउट कर दूंगा, या 600 रुपीज़ अगर चले जाता है तो जहाँ पे करंट लेवल है वहाँ से 50 रुपये और नीचे लेके चलिए। बट यहाँ से आप मान के चलिए जो ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है वो बहुत बढ़िया है। बिकॉज क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजीज कंपनी आपको हमारे मार्केट में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। ज़्यादा क्या, ये पहली ऐसी कंपनी है जो स्पेस में भी काम करती हुई देखने को मिलती है, इसरो के लिए मेन काम करती हुई देखने को मिलती है। एंड अगर फ्रेंड्स ऐसी कंपनीज आपको हमारे मार्केट में मिलती हुई देखने को मिलेगी तो वो अनडाउटेडली बढ़िया करती हुई देखने को मिलेगी, जो अभी आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है एंड जो तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कल के टारगेट्स के ऊपर। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा कि अभी यहाँ पे कोई रुकने के संकेत तो नहीं है कि आपको यहाँ पे कल शेयर रुकता हुआ देखने को मिल जाएगा, लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए लोअर सर्किट लगेगा तो अचानक लगेगा, जैसे कि अभी आपको सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है और इसी बीच हो सकता है कि कभी ऐसे लोअर सर्किट पे लग जाए, चांसेस हैं। बिकॉज स्टॉक इतनी तेज़ी कर रहा है तो कभी ना कभी तो देखिए लोअर सर्किट लगना लाजमी सी बात है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जब तक नहीं होता है जब तक तो मेंटेन रहिए। उन लोगों को कह रहा हूँ जिन्होंने करेंट बाइंग करी, यानी IPO आने के बाद आपने स्टॉक के अंदर बाइंग करी है। जिन लोगों के पास पहले से आया वो तो देखिए अपने जो बाकी के शेयर्स हैं अगर आपने पार्शियल बुक कर लिया उनको पड़े रहने दीजिए या फिर स्टॉप लॉस ट्रेड करिए, ये एक आपके पास ऑप्शन है। मेरी सलाह ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया कंपनी है आगे भी बढ़िया ही करेगी। तो अब कल के टारगेट्स की बात करूँ तो मुझे लगता है कि शुरुआत वही है कि 5% के अपर सर्किट से ही होगी, देखना होगा कहाँ तक जाता है। मुझे लगता है कि एक बार 580 रुपीज़ के आसपास स्टॉक में थोड़ी बहुत रुकावट आपको देखने को मिलेगी, अगर वहाँ पर रुकता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्ट करेगा उसके बाद फिर बढ़ेगा और फिर 500 रुपये एक सपोर्ट बनता है, स्ट्रॉन्ग होगा। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कैसे बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से देखिए मुझे लगता है कि 500 रुपये जिस तरह से लेवल आया था काफ़ी क्रूशल है कि इस लेवल के आसपास मेंटेन रहेगा। अभी स्टॉक में इतना कोई चार्ट प्रेजेंट नहीं है कि कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बता सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि 580 के आसपास एक बार रुकावट जरूर आनी चाहिए और वो आके रहेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।